स्टूडेंट्स, हम अब कॉफ़ी का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, जिसमें अपन कॉफ़ी की प्रोसेसिंग, उसका केमिकल कंपोजिशन और उसके यूजेस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अपन इसकी प्रोसेसिंग देखते हैं। कॉफ़ी की प्रोसेसिंग की दो विधियां होती हैं, पहली शुष्क विधि जिसे ड्राई मेथड कहते हैं और दूसरी आर्द्र विधि जिसे वेट मेथड कहा जाता है। तो अब बारी बारी से अपन देखते हैं। सबसे पहले इसकी शुष्क विधि देखते हैं। शुष्क विधि में क्या किया जाता है कि जो कॉफ़ी के फल प्राप्त कर लिए जाते हैं सबसे पहले, और उन पके हुए फलों को धूप में सुखाने के लिए रख दिया जाता है। धूप में सुखाने के बाद उनको कूटा जाता है, जिससे कि उनका छिलका अलग हो जाता है, और ये सारे काम जो है वो मशीनों की सहायता से किए जाते हैं। जब उनका छिलका अलग हो जाएगा तो कूटने की प्रक्रिया के दौरान क्या होगा, बीज अलग हो जाएंगे और छिलका अलग हो जाएगा। हमारे लिए क्योंकि जो कॉमर्शियल प्रोडक्ट है वो कॉफ़ी है, जो कि बीजों से प्राप्त होती है, तो हमें कॉफ़ी के बीज प्राप्त करने हैं। तो ये जो बीज हैं, इन बीजों को क्या करेंगे, भूना जाएगा और भून कर इनसे पाउडर बना लिया जाएगा, जिसको कि कॉफ़ी के रूप में पैक कर लिया जाएगा। आजकल सारा काम जो है वो मशीनों की सहायता से होता है। तो बारी बारी से अपन देखते हैं। जैसे आपने आंवला देखा है कि आंवला किस तरीके का होता है, जब वो ताज़ा आंवला होता है उसमें किस तरह से रस भरा हुआ रहता है, और उसको धूप में सुखा लेते हैं। धूप में सुखाने के बाद वो कैसा, बिल्कुल उसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है, ब्राउन सा कलर हो जाता है और ड्राई हो जाता है। उसके अंदर जो वाटर कंटेंट होते हैं वो कम होते चले जाते हैं, और फिर आंवले को कूट कर जब अपन खरल में कूटते हैं तो उसके बीज अलग हो जाएंगे और उसका जो छिलका सा होता है वो अलग हो जाता है। बीजों को हटा के अलग कर दिया जाता है और उसका जो आंवला बचता है, जो उसकी कलियां होती हैं, उसको पीस कर पाउडर बना लिया जाता है, जो आंवले का पाउडर होता है। तो उसी टाइप की विधि जो है वो करीब करीब ये है, इसमें भी वही अपन को करना है। तो ये चित्रों के द्वारा समझना थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा। तो ये देखें, सबसे पहले ये जो है, ये सारे डायग्राम अभी ड्राई मेथड के चल रहे हैं। तो फलों को ले आए हैं खेतों में से और लाकर इस तरीके से धूप में रख दिया है अपन ने। ये सारे ताज़ा फल हैं, इसीलिए अभी लाल रंग के नज़र आ रहे हैं। इनको धूप में इस तरह से सुखा दिया है, ये सूखे हुए हैं, ये सारे सुखा दिए गए हैं। अब जब इनको धूप में सुखा दिया जाएगा, डेली इस तरीके से रखा जाएगा लंबे समय तक, तो कुछ समय बाद अपन क्या देखेंगे, इनको धीरे धीरे पलटते भी रहेंगे, तो कुछ समय बाद देखते हैं कि इनका रंग परिवर्तित हो जाता है। और अब इनका रंग जो है वो लाल से बदलकर थोड़ा भूरा या ब्राउनिश सा कलर हो गया है। और ये जो हाथ में है, एक इस तरीके का पलटने के लिए होता है कि इसको चलाया जाता है इन फलों के बीच में, सूखे फलों के बीच में, तो जिससे ये उलट पलट होते रहते हैं। तो ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। तो ये पूरी तरीके से सूख जाते हैं, इनका जल जो है, जल की प्रतिशत मात्रा इनमें कम हो जाती है। ये मशीन कौन सी है, इस मशीन को कहते हैं हलर। हलर मतलब हलिंग मशीन। हलिंग मशीन ऐसी मशीन है जो सूखे फलों को एक तरह से कुचल देती है, उनमें से बीज अलग हो जाते हैं और जो फल का छिलका होता है वो अलग हो जाता है। क्योंकि सूख चुका है फल, तो इसीलिए उसमें अब पानी की मात्रा तो है नहीं, तो आसानी से जैसे अपन खरल, अपने यहाँ पे खरल होता है, खरल में कूटते हैं अपन, वो काम ही हलिंग मशीन कर रही है फल को बीज से अलग करने का। तो कैसे करेंगे देखेंगे। ये मशीन है, इस मशीन में इधर की तरफ ये डाला हुआ है, ये तो सूखे फल हैं जिनको यहाँ पर डाला है, और ये मशीन में से होते हुए जब इधर से पूरे प्रोसेस होते हुए यहाँ से निकलेंगे, फल अलग हो चुके होंगे, बीज अलग हो चुके होंगे। तो इस तरीके से फल और बीज अलग अलग हो जाते हैं। हमारे काम का जो है वो बीज है। अब अपन क्या करेंगे, अगला चरण है जो ड्राई मेथड में ही चल रहा है, कि अपन ने सबसे पहले सूखे फल ले लिए, फलों को धूप में सुखा लिया, उनमें जल की मात्रा कम हो गई, उनका रंग परिवर्तित हो गया, फिर उन्हें अपन ने हलिंग मशीन में कूट लिया एक तरीके से। अब कूटने के बाद फल और बीज अलग अलग हो गए। अब बीजों को रोस्ट किया जाता है अगले चरण में। रोस्ट मतलब भूनना, जैसे मूंगफली भूनते हैं अपन मूंगफली के दाने, उस तरीके से इनको भूना जाएगा। तो या तो ये जो डायग्राम है इसमें तो हाथ से भून रहा है, लेकिन आजकल सारे काम मशीन पर होते हैं, तो ये सिर्फ बताने के लिए किस तरीके से इनको भूना जाता है, लेकिन एक्चुअल में मशीनें होती हैं। इस चित्र में देखें, ये मशीन है, तो इन मशीनों से ऑटोमेटिकली ये बीज जो हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर, और ये यहाँ टेम्परेचर का सेट है, टेम्परेचर सेट कर देते हैं अपन इसमें, और ये घूमते रहेंगे, ये पहिए हैं, ये इस तरीके से यूं घूमते रहेंगे, ये रोटेट होते रहते हैं, और बीज इधर से आते रहेंगे, रोटेट होते रहेंगे, तो कहीं से जलेगा नहीं वो।
बराबर बुनता रहेगा, पर्याप्त मात्रा में बुन जाएगा, और जितना बुनेगा बुनने के बाद उसका रंग भी परिवर्तित हो जाएगा। तो ये एक चित्र है जो दर्शाता है ड्राई मेथड को। इसमें आप देखें, सबसे पहले ये प्लांट है कॉफ़ी का, कॉफ़ी के प्लांट से अपन ने फ्रूट प्राप्त किए, फ्रूट में से बीज निकला, ये बीज है, बीज में ये बाहर वाला फल का आवरण है, ये अंदर एक फल में ये और ये दो बीज पाए जा रहे हैं। अपना उद्देश्य फल से बीज को अलग करना है, तो ड्राई मेथड जब अपन ने किया तो फल में से बीज अलग हो गए, तो ये वाइट वाइट कलर के बीज अपन को प्राप्त हो गए। अब अपन ने किया क्या है कि इन बीजों को, ये जो रोस्टर हैं, इस तरह की रोस्टिंग मशीन होती है, इन रोस्टिंग मशीन में डाल दिया। तो ये अभी तो आप देख रहे हैं बीजों का रंग यहाँ पर तो क्रीम सा कलर है, लेकिन कॉफ़ी जो अपन पीते हैं उसका रंग ब्राउन होता है। तो यहाँ रोस्टिंग जब इनकी होती है रोस्टर मशीन में, तो इनका रंग कन्वर्ट हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। तो अगले चरण में अपन ने देखा कि रंग इनका भूरा हो चुका है, और फिर उन भूरे बीजों को पीस कर ये ब्राउन कलर की कॉफ़ी अपन को प्राप्त हो जाती है। तो ये ड्राई मेथड है। अब नेक्स्ट जो है वो है वेट मेथड। तो वेट मेथड के अंदर करेंगे क्या, सबसे पहले इसमें सुखाने का काम नहीं है, क्योंकि आर्द्र विधि है, इसीलिए अपन फलों को सुखाएंगे नहीं, सीधे ही खेतों में से फलों को लाया जाएगा, और फलों को लाकर पल्पिंग मशीन में डाल दिया जाएगा। पल्पिंग मशीन क्या है, अब जो गीले फल हैं उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जल है, अब उनको अपन ने गूदा निकालने वाली मशीन में डाल दिया। जैसे आपने क्या किया, संतरे का जूस निकालते हैं कई कई बार, तो संतरे को छीला और छील के अपन ने, जैसे अपने घर में मिक्सी होती है, तो आप संतरे को छीलें और छील के उस पूरे संतरे को सीधे के सीधे मिक्सर में डाल दो, मिक्सर में डाल के ढक्कन लगा के आप चला दो, तो आप क्या देखेंगे उसके अंदर जब मिक्सी तेजी से चलेगी तो एक गूदा गूदा सा बन जाएगा संतरे का। तो उस टाइप का वो गीला है, उसमें रस भी है, उसमें बीज भी है, हालांकि बीज छिटक के अलग हो जाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी रहते हैं। तो वो जो तरल पदार्थ सा बन गया है उसको अपन गूदा या पल्प कहते हैं। तो ये दूसरी विधि इसी प्रकार की है, इसमें अपन फलों को, जो कॉफ़ी के फल हैं उनको सुखाएंगे नहीं, सीधे पल्पिंग मशीन में डाल देंगे। अब जब मशीन में डालेंगे उनमें जल की मात्रा भी है, तो एकदम गीला गीला सा गूदा बन जाएगा, और गूदे में दोनों चीज़ें होंगी, उसका फल का छिलका भी होगा और बीज भी होंगे। अब इसको अपन को पानी से धोना है, और पानी से धोकर बीजों को अलग कर लेना है। अब इसमें करना क्या है कि जब अपन पानी से धोएंगे तो इनके बीजों की खास बात ये होती है कि इनके ऊपर एक विशेष प्रकार का आवरण होता है, तो उसको भी हटाया जाता है, वो पतली सी झिल्ली होती है, तो उस झिल्ली को हटाने के लिए किण्वन की प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो जल के अंदर इनको रखकर कुछ समय तक सड़ाया जाता है, जिससे कि वो आवरण, वो छिलका जो है वो अपने आप ही किण्वन की प्रक्रिया द्वारा बीजों से अलग हो जाता है। और फिर उन बीजों को प्राप्त करके उनके ऊपर पॉलिश करी जाती है, और पॉलिश करने के बाद उनको पीस लेते हैं, सुखा लेते हैं, फिर भून लेते हैं, भून कर उनको पैक कर देते हैं। तो ये वेट मेथड है। अब देखें ज़रा, देख कर ज़्यादा अच्छा समझ में आता है ये वेट मेथड। तो अपन ने किया क्या, फलों को लाए, ये फलों को लाकर ये जो मशीन है, इन मशीनों को कहते हैं पल्पिंग मशीन, ऊपर से फलों को डाल रहे हैं, ये जैसे गन्ने का रस निकालते हैं ना उस टाइप का, ये रोलर है, इसमें से जब ये गीले फल निकलेंगे तो ये पूरा गूदा गूदा निकल गया। इस गूदे में दोनों ही चीज़ें हैं, इस गूदे में बीज भी हैं और इस गूदे में जो कुचले हुए फल भी हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। हमको चाहिए बीज, ये इस तरह से पिसता चला जाता है। अब किया क्या है अपन ने, हमें बीज प्राप्त करने हैं, उस गूदे में से, उस पिसे हुए गूदे में से फल के छिलके उनको हटाकर केवल बीज प्राप्त करने के लिए उसको पानी में डाला है। ये थोड़ा ध्यान से देखें, ऐसे टैंक होते हैं, इस तरीके के पानी के टैंक हैं, उन पानी के टैंकों में उस पूरे गूदे को, जो अपन ने पल्पिंग मशीन में से जो जो भी गूदा बाहर निकला सारे गूदे को उसमें भर देते हैं। तो उसमें भर के इस तरीके के ये जो वो होते हैं स्टिरर होते हैं, घुमाने वाले होते हैं, इनसे इनको चलाते रहते हैं पानी को धीरे धीरे, जिससे कि कुछ भी ऐसा ना हो कि सारा कोई हिस्सा नीचे बैठ जाए, कोई ऊपर रहे, ऐसा नहीं, तो बार बार ऊपर नीचे से करते रहेंगे। अब होगा क्या, इसमें रखने के बाद फिर अंत में इनको पानी से इस तरीके से धो लेंगे। पानी से जब धोएंगे तो ये जो बीज है, ये बीज अलग हो रहे हैं, ये फल के जो गूदे हैं, गूदे में जो छिलके हैं वो अलग हो रहे हैं, ये सब अलग अलग हो जाते हैं। तो ये रिज़ल्ट निकलता है, अल्टीमेट रिज़ल्ट, ये गूदे छिलके से अलग हो गए और ये जो बीज हैं वो अलग हो गए जो हमें प्राप्त करने थे। अब ये एक जनरल डायग्राम है। बाकी अब अपन रोस्टिंग की प्रक्रिया करेंगे, जब अपन उसको थोड़ा सा भूनेंगे, फर्मेंटेशन करेंगे, झिल्ली हटा देंगे, तो जैसे जैसे सूखता जाएगा रंग, जैसे शुरू शुरू में अभी जब हमने इस वाले चित्र में प्राप्त किया था, ये पीछे वाला जो डायग्राम है इसमें देखें ये रंग कैसा है, क्रीम क्रीम कलर है, लेकिन जब अपन इसको
रोस्ट करेंगे, अंत में जब रोस्ट करेंगे तो ड्राई होने के बाद इनके रंग परिवर्तित होते जा रहे हैं। यहाँ से रंग इसका कैसा हो गया, बिल्कुल डार्क रोस्टिंग में गहरा। जितनी ज़्यादा रोस्टिंग करेंगे उसका रंग हल्का भूरा है या फिर थोड़ा उससे डार्क भूरा है या उससे डार्क है या फिर बहुत ज़्यादा काला सा रंग है, तो जिस तरीके का भी रंग डेवलप करना चाहते हैं वो डेवलप हो जाता है, उस तरीके का अपन प्राप्त कर लेते हैं। अब अपन ने उस जो भुने हुए बीज हैं उनको पीस लिया, पीस के पाउडर बना लिया है, और पाउडर से अंत में अपन को जो कॉफ़ी है जो घर में अपन पीते हैं वो अपन को प्राप्त हो जाती है। अब इसकी जो दूसरा एक भाग रह गया है वो है रासायनिक गुण। जो कॉफ़ी में एक विशेष प्रकार का स्वाद होता है, उसमें एक रंग सा होता है, और उसमें जो सुगंध होती है वो उसमें एक तेल मौजूद होता है जिसको कैफियोल कहते हैं, जिसकी मात्रा 10-13% होती है, उसके कारण होता है। इसके अलावा जैसे चाय में आपने देखा था टैनिन नाम का एल्कलॉइड होता है, उस तरीके से कॉफ़ी में कैफीन नाम का एल्कलॉइड होता है, जिसकी वजह से इसका एनर्जाइज करने का गुण होता है, रिफ़्रेश करने का गुण होता है, अपन तरोताज़ा महसूस करते हैं कॉफ़ी पी के। कॉफ़ी में प्रोटीन भी होते हैं 11%, सेल्यूलोज होते हैं 10-14%, और शर्करा की मात्रा जो होती है वो बिल्कुल न्यून होती है, माने 0.43% जो है वो पाई जाएगी। अब नेक्स्ट चीज़ है इसके यूजेस। कॉफ़ी जैसा अपन जानते हैं पेय पदार्थ है, रिफ्रेशिंग ड्रिंक के रूप में यूज़ की जाती है, कि एनर्जाइज्ड ड्रिंक है, तो इसमें कॉफ़ी में चीनी मिलाकर, दूध मिलाकर, चिकोरी या माल्टेड गेहूं के पाउडर के साथ मिलाकर पिया जाता है। अभी चिकोरी क्या चीज़ है, चिकोरी एक तरीके का एक दूसरा प्लांट है जो उससे भी जो बीज निकलते हैं उनको पीसते हैं, तो वो करीब करीब कॉफ़ी जैसे ही नज़र आते हैं। तो जो सस्ती क्वालिटी की कॉफ़ी होती है उसमें चिकोरी के बीजों की मिलावट कर दी जाती है। देखें ज़रा, इससे समझ में आएगा अपन को, ये चिकोरी है, ये ऐसे इसके फूल नज़र आते हैं और ये इसके बीज हैं। इनको पीसा अपन ने तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि बिल्कुल ऐसे नज़र आ रहे हैं चिकोरी, बिल्कुल कॉफ़ी के जैसा। तो इसको पाउडर को अपन मिलाकर कॉफ़ी में जब मिक्स कर देंगे तो पता नहीं चलेगा कि कॉफ़ी है या फिर चिकोरी है, इसकी मिलावट उसमें कर दी जाती है, तो थोड़ा सा उसकी सब ग्रेड कॉफ़ी बनती है। माल्टेड गेहूँ क्या होता है, जैसे गेहूँ लिया आपने, गेहूँ को लेकर पानी में भिगो दिया तो उसमें अंकुरण की प्रक्रिया हो गई, जो अंकुरित गेहूँ हो गया उसमें से अंकुर निकलने लग गए, उसके बाद आपने उसको, अपन को ज़मीन में नहीं उगाना है, उस अंकुरित गेहूँ को वापस से सुखा देना है, उस भीगे अंकुरित गेहूँ को वापस से ड्राई कर लेना है, और ड्राई करके अपन पीस देंगे तो उसको, ये जो अंकुरित और सूखा हुआ वापस से दोबारा सुखाया गया जो गेहूँ है उसको अपन माल्टेड गेहूँ कहते हैं। तो इसको भी कॉफ़ी में मिक्स करके पिया जाता है। इसके अलावा और भी जो कॉफ़ी के यूजेस हैं, इस कॉफ़ी की प्लांट की जो वुड होती है उसका उपयोग छड़ी बनाने में, फ्रेम, हत्ते, बक्से, ये सब बनाने में भी किया जाता है। इसके अलावा कॉफ़ी के बीज जो होते हैं उनसे एक विशेष तरीके की प्लास्टिक का निर्माण होता है, जिसे फेकेलाइट कहते हैं। तो इस प्लास्टिक से कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे ये देखिए कड़े हैं हाथ के पहनने वाले, ये फेकेलाइट नामक प्लास्टिक से बनाए गए हैं। इसी तरीके से ये जो बच्चों के खिलौने हैं इसमें ये जो कवर बनाया गया है, इसके हैंडल का जो कवर है ये फेकेलाइट नामक प्लास्टिक से ही बनाया गया है। ये कुछ खिलौने हैं, टॉयज़ हैं, इस तरीके के टॉयज़ ये फेकेलाइट से बनाए जाते हैं। और एक दो इसके और यूजेस हैं कि कॉफ़ी में कैफियोटैक्सिन टॉक्सिन नामक एक विषाक्त रसायन पदार्थ निकलता है, तो यदि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो इसका शरीर के ऊपर हानिकारक प्रभाव भी होता है। तो वो हानि, जो कॉफ़ी बहुत ज़्यादा सेवन से जो नुकसान होते हैं वो कैफियोटैक्सिन टॉक्सिन नामक विषाक्त पदार्थ के कारण ही होते हैं। और कॉफ़ी का प्रयोग डाईयूरेटिक के रूप में भी किया जाता है, यानी यूरिनेशन को प्रेरित करता है। ये कुछ इसके यूजेज़ हैं। ये कॉफ़ी का पार्ट सेकंड भी ख़त्म हो गया, तो आप दोनों वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसका जो नोट्स हैं वो पढ़ें, और उसके बाद फिर मैं आपको असाइनमेंट दूंगी जो आपको सॉल्व करने हैं। थैंक यू।